तो यार पिछली कहानी में हमने देखा था बीरस एक लिवास डालकर कहीं तो निकल पड़ता है और ओरैकल फिश बीरस को जाता हुआ देख कहती है कि बीरस को वो काफी दिन बाद ये लिवास को पहनते हुए देख रही है। तो सवाल ये होता है आखिर बीरस जाता कहाँ है। और यहाँ से शुरू होता है ड्रैगन बॉल काकुमे का चैप्टर 10। कहानी जाती है बीरस पर जहाँ वो आसमान में उड़ रहा होता है और उसके नीचे पूरा रेगिस्तान और पिरामिड्स होते हैं। काफी एक ओल्ड स्ट्रक्चर का लोकेशन दिखाया जाता है। बीरस जब वहाँ से गुजर रहा होता है उसके मुँह से ये लफ्ज निकलते हैं कि काफी दिन बाद ये जगह पर आकर यहाँ की खुशबू सुनकर क्या पता क्यों पुराने दिन में मैं वापस से चला जाता हूँ। कहानी जाती है प्लेनेट गहजी पर जो यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के बॉर्डर पर होता है। बीरस वहाँ उतरता है और आप लोग देख सकते हो बीरस के सामने एक बड़ा सा होता है स्टैचू और उस स्टैचू के सामने बह रही होती है एक नदी और जंगल होता है वो। बीरस थोड़ा 5-6 कदम आगे जाता है, देखता है कोई तो उस स्टैचू के सामने जो लिवास उसने पहना है वही लिवास को वो शख्स भी पहन के आराम से बैठा है और वो होता है यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, बीरस का भाई। बीरस कहता है तो तुम भी आ गए यहाँ। बीरस का भाई जवाब देता है बेवकूफ मैं तुम्हारा 1 महीने से यहाँ पर बैठा इंतजार कर रहा था। और इमेजेस में आप देख सकते हो सामने रखा है एक ताबूत जिसमें एक डॉग का क्रिएचर बना है और ऐसे हम जानते हैं ऐसे स्ट्रक्चर को मिस्र में यानी कि इजिप्ट फेरोस के टाइम पर ऐसे ताबूत बनाए जाते थे और लाशों के मतलब फेरोस के मरने के बाद उनको यही ताबूत में दफन कर दिया जाता था। और आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसे ताबूत में उनको ही दफनाया जाता था जो एक राजा होता था एक सल्तनत का या फिर वो उस सल्तनत में कोई बड़ी पोजीशन पर होता था। और अगर ये कहानी में अगर बीरस के फादर को उस ताबूत में उनको मरने के बाद रखा गया है तो ये कहानी के हिसाब से बीरस के फादर उस जमाने के किंग थे या फिर उस जमाने के यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हो सकते हैं। दोनों भाई अपने फादर के ताबूत के सामने बैठे होते हैं। बीरस कहता है फादर मैं यहाँ काफी दिन बाद आया हूँ, लगभग 1000 साल बाद। बीरस का भाई कहता है सोचो अगर वो हमारी जगह पर होते तो आज क्या करते जैसे हालत बन गए हैं। बीरस जवाब देता है इतना तो है अगर आज वो होते तो तुमसे तो कुछ बेहतर ही करते। शांपा कहता है कभी आईने में मुंह देखा है अपना। कहानी जाती है गोटेन ट्रंक्स और वीस पर जहाँ उनकी चल रही होती है वीस के साथ ट्रेनिंग। गोटेन ट्रंक्स दोनों थककर वापस सोकर वापस उड़ जाते हैं। गोटेन वीस से पूछता है वीस क्या हम सफल हो गए। ट्रंक्स कहता है तुम ज्यादा ही नहीं सो गए गोटेन। वीस कहता खैर क्योंकि अब तुम दोनों ने अच्छे से आराम कर लिया है अब हम हमारे ट्रेनिंग के सेकंड स्टेज में जाएंगे और वो होगा तुम दोनों को गॉडली पोटेंशियल को अनलॉक करना पड़ेगा और ये एक जरूरी ट्रेनिंग होने वाली है इससे पहले कि हम अपनी स्टेज 3 की ट्रेनिंग को शुरू करें। गोटेन ट्रंक्स थोड़ा क्यूरियस हो जाते हैं क्या गॉडली की लेकिन कैसे। वीस उन्हें दूसरे प्लेनेट पर लेके जाता है जिसका नाम होता है प्लेनेट लेस्टिया। वीस अपने आसपास 2 गॉड की निकलता है और उन्हें दिखाता है ये देखो ये है गॉड की नजर आ रही है मेरा तुमसे ये कहना है इसको अपने अंदर लो और सह के देखो। गोटेन हंसता कहता है क्या वीस बस इतना ही। ट्रंक्स भी हंसता मजाक बनाता ये सब हमारे साथ मजाक कर रहे हो ना तुम सच कहो वीस। वीस अपनी आंखें बंद करता है और वीस उनके सवालों पर मुस्कुराता है और जवाब देता है तुमने सही सुना मैंने कहा इसे अपने अंदर इनर्ट करो इसके बाद हम एक कदम और नजदीक आ जाएंगे। अब गोटेन और ट्रंक्स एक दूसरे का चेहरा देखते हैं उन्हें लगता है अरे ये मामूली सा बॉल ही तो है वीस ने हमें बच्चा समझ रखा है इसको अंदर लेना इनहर्ट करना क्या बड़ी बात है इसमें। दोनों भागते हुए उस गॉड की बॉल के सामने जाते हैं और गॉड की उनके पेट पर जाके लगती है और वहां से गॉड की एंटर करती है उनके शरीर के अंदर। और असली मजा इन्हें तब आता है जब गॉड की अपना असली असर इनके शरीर के अंदर दिखाना शुरू करती है। अब जब इनकी नसों में गॉड की जाती है तो इनकी नसें फटने लगती है इनके मुंह से खून आना बंद नहीं होता आंखें वगैरह बाहर निकलने लगती है दिल इनका इतना तेज से धड़कता है और पसलियों से इनका दिल इतना तेजी से लड़ता है कि वीस को दिखाई पड़ता है बाहर से इनके दिलों का इनकी पसलियों में से बाहर से दिखना नसें वगैरह इनकी फूल जाती है। वीस दोनों को देखकर कहता है ओह माफ करना मैं तुम्हें वॉर्न करना भूल गया तुम्हारे फादर्स के अलावा आज तक किसी मॉर्टल ने भी गॉड की को हैंडल नहीं कर पाया है इन पूरे मिलियन ईयर्स में ये एक मिराकल ही है कि तुम दोनों में अभी भी हल्की फुल्की जान बची हुई है। गोटेन अपने पेट को पकड़कर इतना पेट उसका अंदर से दर्द दे रहा होता है कि सारी उसकी अथड़ियां वगैरह फट के पेट के बाहर आ जाएंगी उसको ऐसा लगता है अंदर से। गोटेन कहता है ट्रंक्स हम क्या करें। ट्रंक्स रेज में आता है कहता है मैं मेरे फादर से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनूंगा मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। गोटेन वगैरह ट्रंक्स वगैरह की नसें पूरी फट रही होती है कि कैसे वो इसे कंट्रोल करे जो उनके बदन के अंदर चल रहा होता है। गोटेन कहता है हमें इसे किसी भी हालत में काबू करना होगा। अब अचानक में दोनों गिरते हैं धप से पानी में।
वीज देखता है और थोड़ा चौंकता है और सोचता है, क्या मैंने इनको कम में आंक लिया? ये एंजल्स और गॉड लेवल की एनर्जी को अपने शरीर में कैसे सह सकते हैं? गुटेन और ट्रंक सवाल करते हैं, वीज तुम्हारा मतलब यही था ना कि हम उस एनर्जी को हमारे शरीर में रोक कर रखें और काबू कर लें? वीज जवाब देता है, हाँ मैंने ऐसा ही कहा। ट्रंक्स जवाब देता है, मुझे पहले से ही पता था। तो हाँ यार, यहाँ मैं कहानी को खत्म करूंगा। अब आगे कहानी हम तब लाएंगे जब आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करोगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट बॉक्स में हमारी नरेशन की ज्यादा से ज्यादा तारीफ करोगे। तो हाँ यार, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।